जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में जो थीम चूज किया है मैंने स्टडी करने के लिए, जो स्टॉक्स चूज किए हैं वो है निफ्टी 50 के। जिन तीनों स्टॉक्स के ऊपर हम स्टडी करने वाले हैं, तीनों स्टॉक्स निफ्टी 50 का हिस्सा है। पहला स्टॉक है डीवी स्लैब, दूसरा स्टॉक है ग्रासिम और तीसरा स्टॉक है विप्रो। इन तीन स्टॉक्स पे हम स्टडी करने वाले हैं। ऑल्सो पिछले दिनों जिन स्टॉक्स पे हमने स्टडी की थी उसका अपडेट आपके सामने पेश करूंगा। अपडेट ये है, पहला कौन सा स्टॉक है जो ब्रेकआउट कर रहा है, पहला स्टॉक है इटका लैब्स 1075.15। इसको ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस था, ये एक रेजिस्टेंस था, उसको छू के वहां पे नीचे आया है, तो निकालने की कोशिश करने वाला स्टॉक। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है सारे फार्मा स्टॉक्स में ना तेजी बनने वाली है, शुरुआत हो रही है धीरे धीरे करके, सो ध्यान में जरूर रखेगा इस बात को। नेक्स्ट कौन सा स्टॉक है जो अपना पहला रेजिस्टेंस जो है उसको क्लियर कर दिया है, वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज 1680। इसको छूकर काम करके, मतलब आगे पीछे थोड़ा प्लस मैंने समझ लीजिए, अभी मार्केट चल रहा है तो काम हो रहा है। एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज फंडामेंटली बहुत ही मजबूत स्टॉक है, अगर लंबी अवधि के लिए अगर किसी का नजरिया है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके भी हर महीने निवेश कर सकते हैं। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, पूरी कोशिश होती है एकदम सरल सिंपल मैनर में आपके सामने स्टडी पेश की जाए रेफरेंस पर्पज के लिए, ताकि वो स्टडी देखकर आप खुद से सीखना शुरू कर दें एंड अपने डिसीजंस जो है रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट खुद से लेना शुरू कर दें। तो चलिए अब स्टडी शुरू करते हैं। डीवी स्लैब इस स्टॉक के ऊपर स्टडी करेंगे एंड ये मैं चार्ट को कर देता हूँ थोड़ा सा जूम। एंड ये जो मेन हाईलाइट बॉक्स यहाँ पे है उसको सबसे पहले बता दूं वो क्या है, वो है ये। सबसे पहले जिसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है ना, कौन सी रेंज है आपके लिए, एंड द रेंज इज 3900-3400। इस रेंज में कहीं पे आपको मिलता है ना, आगे अगर करेक्शन होता है कभी उसमें मिलता है ना, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कौन से तीन इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स है बेस्ड ऑन विच यू कैन इन्वेस्ट। पहला, प्रमोटर्स के पास 51% होल्डिंग है। नेक्स्ट, कंपनी के ऊपर कर्ज काफी कम है, सिर्फ 4 करोड़ का कर्ज, ऑलमोस्ट कर्ज मुक्त कंपनी आप मान लो। एंड तीसरा, ईयर ऑन ईयर यानी कि वाई ऑन वाई बेसिस पे कंपनी जो है अच्छे रिजल्ट पेश करते जा रही है। एंड जो सारा इन्फॉर्मेशन है मुझे screener.in, ये जो वेबसाइट है जो हमारी भारत की वेबसाइट है, इस वेबसाइट से मुझे मिली है। आप भी जाकर चेक कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं सारी जानकारी। तो चलिए अब स्टडी शुरू करते हैं डीवी स्लैब के ऊपर कि यहाँ पे हो क्या रहा है एंड इन द कमिंग डेज एक्शन क्या हो सकता है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले चार्ट को थोड़ा जूम कर दूंगा, जूम कर दिया है एंड ये मैं बेसिक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने लगा। यहाँ पे देखो एक हाई लगा दिया था 5425 का एंड वहां से देखिए सारे हाई पॉइंट्स मैंने जोड़ दिए। देखो किस तरह से स्टॉक नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा था एंड यहाँ पे सक्सेसफुली 14 मार्च को ब्रेकआउट हो गया, स्टॉक अलग जोन में चला गया, अलग रेंज में आ गया। अब स्टॉक के लिए जो रेजिस्टेंस है वो कौन सा है वो मैं आपके सामने एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा एंड सारे डाउट क्लियर एंड द रेजिस्टेंस इज दिस। ये देखो कर दी लाइन ड्रॉ, सिर्फ मैंने 2 लाइन ड्रॉ कर दी एंड सारे कॉन्सेप्ट जो है रिलेटेड टू दिस स्टॉक क्लियर हो गए हैं। देखो रेजिस्टेंस जो समझ में आ रहा है वो है ये 4678 की क्लोजिंग 31st December की, 31 December 2021, इसको ध्यान में रखना है। जब तक इसके ऊपर बंद नहीं होगा अच्छी तेजी कहेंगे देखने नहीं मिलेगी। लेवल में लिख देता हूँ यहाँ पे, तो इसके ऊपर बंद होना जो है बहुत ज्यादा जरूरी, मतलब यहाँ पे अगली रुकावट देखने वाली है इस स्टॉक में 4678, इस पे रखना है ध्यान। अब नीचे की तरफ कौन सा वो लेवल है फॉर ट्रेडर्स, ट्रेडर्स कौन है जो 2 दिन 3 दिन 5 6 दिन डिलीवरी लेकर काम करते हैं, उनको ध्यान में रखना है, वो है 4377। अगर ये लेवल टूट गया ना तो यहाँ पे नुकसान जो है बढ़ सकता है। सो अब 4377 एंड ऊपर की तरफ 4678, ये एक मतलब यू नो ग्राउंड बन गया, एक बाउंड्री बन गई, इसके बीच में स्टॉक काम करेगा। एंड ट्रेडर्स जो है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं। कॉन्ट्रा का मतलब क्या हो गया, समझो कि अभी साढ़े चार हजार चल रहा है स्टॉक, समझो करेक्शन होता है तो 4400 के आसपास मिला, 4425-50 के आसपास मिला, तो ट्रेडर्स ने वहां पे खरीद लिया। एंड फिर समझो स्टॉक में तेजी बनती है अगर, तो 4500-4550-600 के आसपास जाने लगता है तो वहां पे थोड़े हल्के हो सकते हैं, यानी कि अपनी पोजीशन बेच सकते हैं, ये ट्रेडर्स की बात हो गई। अब 4678 अगर इसके ऊपर बंद होना शुरू होता है, कुछ दिन लगातार इसके ऊपर बंद होता है, तो आने वाले 1 से 3 महीने में जिस रेंज में स्टॉक जा सकता है वो है 4900 एंड 5100, 4900-5100 इस रेंज में जो है स्टॉक आराम से जाता हुआ दिख सकता है। सो ये हो गई स्टडी हमारी डीवी स्लैब के ऊपर। इसमें हमने सारे लोगों को कवर करने की कोशिश की है, जिनको लंबे अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करना है उनका नजरिया यहाँ पे, जिनको ट्रेडिंग करनी है उनकी रेंज देखो इस तरह, ये जो रेंज बन गई 4400 ऊपर की तरफ 4670, एंड जो अगर 1 से 3 महीने के लिए काम करते हैं उनके लिए देखिए 4900-5100। सो हर तरह के लोगों के लिए स्टडी जो है पेश करने की पूरी कोशिश यहाँ पे की है। नेक्स्ट दूसरे स्टॉक के ऊपर जाएंगे, स्टॉक का नाम है ग्रासिम इंडस्ट्रीज, बिरला ग्रुप का स्टॉक है, आदित्य बिरला ग्रुप का स्टॉक है एंड इस पे ध्यान दीजिए। जिसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है 1430-1270 इज योर रेंज, इस रेंज में मिला इन्वेस्टमेंट करना है, लंबी अवधि के लिए कर सकते हैं।
कौन से दो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स है? सबसे पहले 17 की पी पे स्टॉक मिल रहा है, एंड नेक्स्ट कंपनी के पास जो एसेट्स है वो है तकरीबन 2.75 लाख करोड़ के। जी हाँ, 2.74 लाख करोड़ के एसेट्स है, बहुत बड़ी कंपनी है। एंड ये भी डाटा मैंने screener.in से ही शेयर किया है, वहीं से मैंने सोर्स किया है। अब ये स्टॉक किस तरह से काम कर रहा है देखिए, पिछले दिनों हाई लगा दिया 1930 के आसपास, एंड अब नीचे किस तरह से आ रहा है, तो नीचे आ रहा है कुछ इस तरह से। देखिए, एक ही पैरेलल चैनल में स्टॉक जो है धीरे धीरे करके नीचे आ रहा था, एंड यहाँ पे जो है 16th मार्च स्टॉक जो है जोन से निकल गया, एक अलग रेंज में अभी चला गया है। यहाँ पर भी देखिए, फिर से एक बार मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा एंड रेजिस्टेंस जो है हमको पता चल जाएगा, एंड द लेवल इज दिस, ये लाइन देखिए। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा बड़ी तेजी नहीं देखने मिलेगी, एंड द लेवल इज 1778.1 2 फरवरी की क्लोजिंग, इस पर रखना है ध्यान। स्टॉक बार बार उस लेवल के आसपास आके नीचे जा रहा है 1778.1। एंड जो स्टडी आपके सामने पेश की जा रही है, पसंद आ रही है तो स्टडी जो है उसको लाइक जरूर कीजिएगा। पूरी कोशिश होती है एकदम सिंपल मैनर में आपके सामने स्टडी पेश की जाए। अब कौन सा लेवल है नीचे की तरफ, अगर टूट गया तो नुकसान बढ़ जाएगा, इट इज 1590, मतलब अभी 1660 के आसपास स्टॉक काम कर रहा है, तकरीबन 70 रुपए का रिस्क है यहाँ पे। तो ट्रेडर्स जो है उनकी रेंज बन गई 1600 रुपए ऊपर की तरफ, 1800 रुपए, ये एक रेंज बन गई। एंड रेंज के जिस हिस्से में पहले गया, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से ले सकते हैं। अब अगर 1778.1 इसके ऊपर कुछ दिन लगातार बंद होना शुरू हो जाता है एंड तेजी का ट्रेंड बना रहता है मार्केट में, तो आने वाले 1 से 3 महीने में जहां पे जा सकता है स्टॉक वो है 1850-1950, इस रेंज में स्टॉक जो है जा सकता है। ये जो लेवल्स मैंने ऊपर की तरफ बताया है 1850-1950, इसको आप एक जोन मान लो, दो रेजिस्टेंस मान लो, दो टारगेट मान लो, यहाँ पे जो है स्टॉक जा सकता है। यहाँ पर क्लोजिंग की स्पेलिंग जो है मैंने रॉन्ग लिख दी है, उसको मैं कर देता हूँ सही। तो ये हो गई स्टडी ग्रासिम इंडस्ट्रीज के बारे में। आखिरी स्टॉक आईटी दिग्गज, जिस स्टॉक के ऊपर हम स्टडी करेंगे वो है विप्रो। अच्छा, और एक चीज, अगर आप मार्केट में काम कर रहे हैं ना, तो एक चीज आप ध्यान से नोट कर लो, और वो ये है, हमेशा आप फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स में ही पैसे डालेंगे। फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स में अगर आप पैसे डालोगे तो मार्केट के करेक्शन में वो स्टॉक्स भी नीचे तो जाएंगे ही, बट जो बाउंस बैक होगा ना, मतलब रिकवरी होगी, वो स्टॉक्स में काफी शार्प होगी। वी शेप रिकवरी भी जिसे हम कहते हैं ना, मतलब वी शेप नीचे आया उसी स्पीड से ऊपर जाएगा, उस तरह की रिकवरी जो है आपको देखने मिलेगी। तो वैसे स्टॉक्स में रहना है, एंड मार्केट में अगर आपको डर लगता है ना स्टॉक मार्केट में काम करने से, तो सबसे पहले कह दूं, अगर आपको जरा भी डर लगता है कि आपके पैसे नुकसान हो जाएगा, डूब जाएंगे, तो मार्केट आपके लिए नहीं है। प्लीज अगर आप में पेशेंस है तो ही आपको मार्केट में काम करना है, एंड फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स में रहोगे तो आपको डरने की जरूरत है ही नहीं। आपके पैसे धीरे धीरे करके बढ़िया लेवल्स पे आपको देखने मिलेंगे, प्रॉफिट जो है अच्छी तरह से आपको देखने मिलने ही वाला है। अब आईटी दिग्गज कंपनी के ऊपर बात करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, लेवल क्या है, अभी काम कर रहा है 600 रुपए के आसपास, 530 और 460 की रेंज में अगर मिलता है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कौन से दो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, सबसे पहला प्रमोटर्स 73% होल्ड करते हैं, नेक्स्ट जो है वो है स्टॉक जो है 27 के पी पे मिल रहा है, शायद 27 थोड़ा महंगा लगे, बट जो लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स है उनमें ये स्टॉक सबसे सस्ता है। लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स मतलब इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है, एचसीएल टेक है, फिर एलटीटीएस है, फिर और भी अगर कोई नाम अगर मैं मिस कर रहा हूँ, एंड अगर ये जानकारी अगर थोड़ा मैं अगर कोई स्टॉक को चेक करना रह गया हूँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट जरूर कीजिएगा, एंड अगर आप कमेंट करोगे करेक्ट करोगे तो मैं भी कुछ नया सीख पाऊंगा। ओके, तो ये हो गई विप्रो के फंडामेंटल्स की बात। अब स्टॉक किस तरह से काम कर रहा है, स्टॉक काम कर रहा है इस तरह से, देखो अपनी बेसिक कर्व पैटर्न स्टॉक ने यहाँ पे कंप्लीट कर दी, एक कर्व लगा दिया, फिर दूसरा यहाँ पे और एक कर्व लगा दिया, देखो दो कर्व लगा दिया एग्जैक्टली, देखो किस तरह से काम किया। अब स्टॉक पिछले दिनों लगातार जिस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है वो है ये, देखो द लेवल इज तकरीबन अराउंड 610-611 रुपए के आसपास जाके ना स्टॉक बार बार रुक रहा है। जो हाईएस्ट क्लोजिंग मिली है वो है 610.55, एंड वो जो लेवल है सबसे पहले मैं लिख दूंगा, इसका इंपॉर्टेंस के ऊपर हम स्टडी करेंगे, एंड द इंपॉर्टेंस इज दिस 610.55, एंड ये लाइन का इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस है इसको थोड़ा सा पीछे लेना है। स्टॉक मार्केट ऐसा है, लोग कहते हैं ना, किसी लोग कहते हैं ना हमेशा कि किसी के पास्ट के बेसिस पे फ्यूचर को जज नहीं करना चाहिए, बट स्टॉक मार्केट ऐसी चीज है जहाँ पे स्टॉक का जो पास्ट मतलब परफॉर्मेंस था ना, मतलब कहाँ पे सपोर्ट लिया था, बेस्ड ऑन दैट आप जो है स्टॉक की परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। ये देखिए 610 का जो इंपॉर्टेंस है ना वो आपके सामने क्लियरली देखने मिल रहा है। यहाँ पे इन द मंथ ऑफ जुलाई जब स्टॉक क्लियर कर रहा था तो कुछ दिन वहां कंसोलिडेट किया, फिर निकला, फिर बड़ी तेजी आई, जैसे वो लेवल को निकाला 680-690 तक चला गया, फिर से नीचे आया सपोर्ट लेने के लिए 630 के आसपास से उछल गया, फिर से नीचे आया उसी लेवल के आसपास 600
4 के आसपास मतलब सपोर्ट लिया एंड स्टॉक उस दिन बंद हुआ 630 फिर से ऊपर चला गया एंड फाइनली नीचे आ गया। कुछ दिन नीचे लगातार काम कर रहा है, अभी प्रेजेंटली 21 जनवरी से लगातार उस लेवल के नीचे काम कर रहा है अब तक। इनफैक्ट अगर हम कहें 21 जनवरी के बाद पहली बार जो है स्टॉक उस लेवल के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो अगर 610.55 के ऊपर निकल गया बड़ी तेजी देखने मिल सकती है स्टॉक में। एंड नीचे की तरफ जो ट्रेडर्स होते हैं ना उनको स्टॉप लॉस लगाना है, क्या लगा सकते हैं वो है 582, तकरीबन यहां से 15 रुपए की रिस्क है। यस 582, तो ये ट्रेडर्स की बन गई रेंज 582-610, इसके बीच में जहां मिला कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड ले सकते हैं। अब 610.55 इसके ऊपर कुछ दिन लगातार बंद होता है ना अगर, तो आने वाले 1 से 3 महीने में जहां पे जा सकता है स्टॉक वो है 640-670, 640-670 इस रेंज में स्टॉक जो है आराम से जाके काम कर सकता है। इन दो लेवल्स को आप दो रेजिस्टेंस मान सकते हो, दो टारगेट मान सकते हो, एक जोन मान सकते हो, इस जोन में स्टॉक जाके बैठ सकता है। एंड स्टडी आपके सामने फिर से कहूंगा, पेश करने का मोटिव सिर्फ सिंपल है, सो दैट आप खुद से सीखना शुरू कर दो, अपना इंडिपेंडेंट हो जाओ, डिसीजन खुद लेना शुरू कर दो, क्योंकि मेहनत की कमाई जो है वो आपकी है, तो आपका पोर्टफोलियो का स्टेयरिंग जो है वो भी आपके हाथ में होना चाहिए। एंड मार्केट में जब भी आप काम करो ना, जब भी एक मतलब कोई भी चीज़ खरीदो, सबसे पहले तो आप प्लान करो आप उस स्टॉक को होल्ड कितने टाइम तक करने वाले हो, आपका टारगेट क्या है, आपका स्टॉपलेस क्या है, एंड तीनों में से जो चीज़ पहले ट्रिगर होगी आपको उस पर एक्शन लेना है। मतलब स्टॉपलेस के पास पहले आया तो निकल जाना है, टारगेट के पास आ गया तो निकल जाना है, या फिर टाइम फ्रेम खत्म हो गया तो भी निकल जाना है। मतलब आप किस तरह के इन्वेस्टर हो वो आपको स्टॉक खरीदने के पहले ही प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मैं तो सिर्फ आपके सामने 3 स्टॉक्स की स्टडी पेश करता हूँ रोजाना, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हो सके उतना स्टॉक्स को रोज स्टडी कीजिए। एक स्टॉक को स्टडी करने में 2-5-7 मिनट लगता है, 3-4-5 स्टॉक्स 10 स्टॉक्स जितना स्टडी कर सकते हो स्टडी करो एंड उन स्टॉक्स के लेवल्स को नोट करो एंड अपने ब्रोकर के ऐप में सेट करो लेवल्स को, तो जैसे ही स्टॉक उस लेवल पे ट्रिगर करेगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि स्टॉक उस लेवल को हिट किया है, फिर आपको जो भी एक्शन लेना है आप ले सकते हैं। तो शुक्रिया स्टडी देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।